हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी एस स्पेशल में। आपको पता है हमने पार्ट 5 तक कर चुके हैं हम अपना करंट अफेयर 2019 सीरीज़ का, जो हम कर रहे हैं CAPF और CDS एग्ज़ाम के लिए, जो कि हमारा अगस्त में होने वाला है CAPF का एग्ज़ाम और CDS होगा हमारा सितंबर में। तो उसी सीरीज़ में हम अपना पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने जो है ना वो प्रपोज किया है हमारा मर्ज करने का बैंक्स को, एमलगामेट करने का बैंक्स को, जो कि जो हमारे बैंक जो एमलगामेट होंगे ना, मर्ज होंगे मतलब वो जो होंगे, उसके बाद हमारा थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया निकल के आएगा। तो आपको बताना है इन चारों बैंक में से वो कौन से बैंक हैं जिसको गवर्नमेंट मर्ज करने की बात कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकेंड है कैनरा बैंक, थर्ड है देना बैंक और फोर्थ है विजया बैंक। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। और जी हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका आंसर है B1, 3 and 4। 2 नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली है बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज करने की बात कही है। कैनरा बैंक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये क्यों करती है गवर्नमेंट बैंक्स मर्जर, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं ना उनमें NPA ज़्यादा हो जाता है, वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, तो उनको मर्ज किया जाता है उनको बचाने के लिए, तो इसीलिए मर्ज किया जाता है। तो ये हमारे 3 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। ये एक्चुअली क्या होता है, इनमें से एक बैंक जो होता है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और बाकी जो होते हैं ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, तो बाकी बैंक्स को बचाने के लिए उसे मर्ज कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, याद रखना है आपको, कैनरा बैंक नहीं है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और विजया बैंक, ये हमारे 3 बैंक को मर्ज करने की बात चल रही है। लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया था CAPF में बैंक के ऊपर, तो इस ईयर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन भी इको से रिलेटेड है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने ना रिफॉर्म्स लाए हैं बैंकिंग सेक्टर में। जैसा आपको पता है कि काफ़ी हमारा NPA बढ़ गया था बैंकिंग सेक्टर में, काफ़ी घोटाले हुए थे, जैसे आपको नीरव मोदी और विजय माला का केस तो पता ही होगा। तो उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाए हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो आपको बताना है ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से वो रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने लाए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, क्या ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। सेकेंड है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, क्या ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और थर्ड है प्रोजेक्ट सशक्त, क्या ये भी इंट्रोड्यूस किया है। वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल्कुल किया है गवर्नमेंट ने। इससे क्या होगा, हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है ना उसमें ना फास्टर रिजोल्यूशन आएगा, जो हमारी रिकवरी होगी, रिकवरी आएगी इससे, जो हमारे NPA है ना उसको फास्टर रिकवरी करा जा सकता है। इसके लिए इसको लाया गया है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा बैंक के लिए। सेकेंड है हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जी हाँ ये भी बिल्कुल लाया गया है। ये हमारा कौन लिखा है, RBI ने इसे इंट्रोड्यूस किया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इससे क्या होगा, बैंक्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ चेक की जाएगी कि मतलब कौन सा बैंक सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो देखा जाएगा हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में RBI के द्वारा। और थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट सशक्त, ये हमारा सुनील मेहता कमेटी एक बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन पे प्रोजेक्ट सशक्त को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि फास्टर रिजोल्यूशन लाया जा सके। तो ये भी हमारा थर्ड भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये इस प्रोजेक्ट सशक्त पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पूछ सकता है गवर्नमेंट कि प्रोजेक्ट सशक्त जो है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन से लाया गया है, तो वो आपका हो जाएगा सुनील मेहता कमेटी। ठीक है, याद रखना आप, सुनील मेहता कमेटी है, या UPSC उल्टा भी पूछ सकते हैं कि सुनील मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आप बता देना प्रोजेक्ट सशक्त। ठीक है, ये याद रखना है आपको। हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, आपको बताना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर, ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये कह रहा है कि ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाई गई है हमारी कंपनी एक्ट के थ्रू, जिसमें कि गवर्नमेंट की हमारी इक्विटी जो है ना 49% है, क्या ये ऑप्शन सही है। सेकंड कह रहा है कि इसको गवर्न किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये आपको बताना है क्या ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, ये जो हमारा है ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक,
ये हमारा बिल्कुल आरबीआई के द्वारा ही गवर्न किया जाएगा इसे। और ये सेकंड जो सॉरी फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, ये गलत है। ये बिल्कुल एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो है, इसको कंपनी टैक्स के थ्रू ही इसको बनाया जा रहा है, एज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाया जा रहा है इसे कंपनी टैक्स के थ्रू। बट इसमें गवर्नमेंट की इक्विटी ना 49% नहीं होगी, ये गलत है। इसमें गवर्नमेंट की इक्विटी 100% है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर इसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बनाया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। फर्स्ट गलत है क्योंकि ये 100% गवर्नमेंट इक्विटी है इसमें, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। आंसर हो जाएगा B। चलिए आगे देख लेते हैं, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा आप, दोनों आंसर की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जियो के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, काफ़ी आते हैं। तो ये देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय स्कीम लॉन्च हुई थी ना, आपको बताना है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है हमारा पीएम आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की, को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइस सपोर्ट स्कीम, क्या ये पार्ट है, इनकम सपोर्ट स्कीम, क्या ये पार्ट है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, क्या ये पार्ट है, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, क्या ये पार्ट है हमारा पीएम आशा का। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो आपको जैसा लग रहा है आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इनकम सपोर्ट स्कीम बिल्कुल नहीं है इसमें। इसके पार्ट हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, ये बिल्कुल इसके पार्ट हैं, बट इनकम सपोर्ट स्कीम इसके अंदर नहीं है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंदर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आज का, ये क्या हुआ है रिसेंटली ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो उसके ऊपर आपको बताना है, इनमें से चार ऑप्शन है हमारा, इनमें से कौन सा एक डायमेंशन नहीं है जो इसके अंदर आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो इसको नहीं लिया जाता, तो आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। ये हमारा है, मैं आंसर बताता हूँ आपको, इनइक्वालिटी को नहीं लिया जाता, हेल्थ को बिल्कुल लिया जाता है, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ये तीनों बिल्कुल लिए जाते हैं हमारा पॉवर्टी कैलकुलेट करते टाइम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर, बट इनइक्वालिटी को नहीं लिया जाता। और ये अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही आया है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और इसमें इंडिया ने ना लास्ट, ये बात आप याद रखना है, इंडिया ने लास्ट वन डिकेड में ना इंप्रूवमेंट शो की है, इंडिया में पॉवर्टी कम हुई है। तो आप अगर UPSC आपसे पूछता है कि क्या इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा हुई है, नहीं, इंडिया में पॉवर्टी कम हुई है, और मतलब इतनी ज़्यादा रेट से भी कम नहीं हुई। तो अगर UPSC पूछता है कि डबल अमाउंट से कम हुई है या ऐसे कुछ ज़्यादा वो ऑप्शन दे देता है आपको UPSC, तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़े से अमाउंट से हमारी पॉवर्टी रिड्यूस हुई है इंडिया में, तो ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी इंप्रूवमेंट आई ना वो झारखंड में आई है, झारखंड में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखी है हमारी पॉवर्टी कम होने में, तो ये भी आप याद रखना है। UPSC पूछ सकता है कौन से स्टेट में ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई, तो वो हमारा होगा झारखंड। और ये हमारा ये भी याद रखना है आपको कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना वो रिलीज कौन करता है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इसे रिलीज़ करता है, ये दोनों मिलके रिलीज़ करते हैं हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये याद रखना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी, इनइक्वालिटी नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, अभी जो ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स है ना, ये काफ़ी आ रही थी, तो ये न्यूज़ में है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से फैक्टर नहीं है जो हमारे कॉज करते हैं ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स के लिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है रैपिड स्लोप मूवमेंट इनटू द लेक, सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड है सॉइल मॉइस्चर और फोर्थ है ब्लैक कार्बन। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो कॉज करता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। वीडियो को पॉज कीजिए, ऐसे अटेम्प्ट कीजिए, आई होप आपने किया होगा। तो ये देखते हैं, रैपिड स्लोप मूवमेंट इनटू द लेक, ये बिल्कुल फैक्टर है, इससे आ जाते हैं हमारे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग भी बिल्कुल है, आपको जैसा पता है ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है इंडिया में, काफ़ी फ्लड्स आ रही हैं रिसेंटली, अभी आसाम बिहार का हाल आपने देख ही लिया होगा। और ये ब्लैक कार्बन, ये भी बिल्कुल है, ये आपको लग रहा होगा ब्लैक कार्बन नहीं है बट है, सॉइल मॉइस्चर नहीं है, सॉइल मॉइस्चर से क्या होता है ड्रॉट आते हैं, ड्रॉट आ जाता है, अगर सॉइल मॉइस्चर का बैलेंस नहीं रहेगा ना तो उसे ड्रॉट आ जाएगा,
बट फ्लड नहीं आता, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है, ये उल्टा है, ड्रॉट आता है हमारा सॉइल में, सॉइल मॉइस्चर एक रीज़न है हमारा ड्रॉट के लिए, ये हमारा फ्लड के लिए नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सिक्स का आंसर हो जाएगा सी, आप लिख लीजिएगा कहीं पे। चलिए अपना सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये मॉन्स्टर गैलेक्सी ना न्यूज़ में थी, तो इस पे क्वेश्चन बना दिया हमने, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारे मॉन्स्टर गैलेक्सी के लिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है ना हमारा कैप्चर किया है मॉन्स्टर गैलेक्सी की क्लीनेस्ट इमेज, सबसे साफ इमेज हमने कैप्चर की है, मतलब एस्ट्रोनॉमर्स ने कैप्चर किया है किससे, द ग्राम टेलीस्कोप कैनरीज, इससे एस्ट्रोनॉमर्स ने कैप्चर किया है इमेज, क्या ये सही है। सेकंड कह रहा है कि ये जो हमारा मॉन्स्टर गैलेक्सी है ना, ये हमारा इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर क्लाउड जो कि हाईली अनस्टेबल है और जो लीड करते हैं हमारा रनअवे स्टार फॉर्मेशन में, रनअवे स्टार फॉर्मेशन में ये काफ़ी लीड करते हैं। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। वीडियो को पॉज कीजिए, ऐसे अटेम्प्ट कीजिए, आई होप आपने किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ तक मॉन्स्टर गैलेक्सी तक बिल्कुल एस्ट्रोनॉमर्स ने कैप्चर की है हमारी क्लीनेस्ट इमेज मॉन्स्टर गैलेक्सी की, बट ये हमारी ग्राम टेलीस्कोपिक कैनरीज से नहीं की है, ये हमारी किससे की है, एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप है उससे हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने कैप्चर की है क्लीनेस्ट इमेज ऑफ मॉन्स्टर गैलेक्सी। तो ये याद रखना है आपको, एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, मैं वैसे बोल देता हूँ, एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे से मतलब कैप्चर की है इमेज, ग्राम टेलीस्कोपिक कैनरीज से नहीं की है, ठीक है, याद रखना है। और सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारा मॉलिक्यूलर क्लाउड जो होते हैं ना वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और लीड करते हैं रनअवे स्टार फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ओनली, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, याद रखना है आपको, इसका आंसर है बी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा एट्थ क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। हमारा एट्थ क्वेश्चन है एरिया के ऊपर, एरिया के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, एरिया ये न्यूज़ में था काफ़ी, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया हमने। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ये हमारा है एक इनोवेशन बेस्ड रैंकिंग फ्रेमवर्क है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, क्या एरिया हमारा यही है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ये एक क्विक प्लास्टिक डिग्रेडिंग टेक्नोलॉजी है डेवलप की गई है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, क्या ये हमारी कोई प्लास्टिक डिग्रेडिंग टेक्नोलॉजी है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये एक प्रोग्राम है जो कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स फॉर यंग वुमेन, ये प्रोवाइड करेगा हमारी यंग वुमेन को एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, ये हमारा एरिया प्रोग्राम है। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ये एक गगनयान कैप्सूल है दैट विल कैरी इंडियन एस्ट्रॉइड्स, क्या एरिया एक कैप्सूल है जो कि इंडिया के एस्ट्रॉइड्स को कैरी करेगा। वीडियो को पॉज कीजिए, उसे अटेम्प्ट कीजिए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ये हमारा एरिया है ना, ये हमारा लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, और ये हमारा किस लिए है, ये है हमारा हाई इनोवेशन बेस्ड रैंकिंग फ्रेमवर्क है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, ये HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, याद रखना। ये क्या करेगा, ये रैंकिंग देगा हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इनोवेशन के बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको एरिया के ऊपर, ठीक है। अपना नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना आज का। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, आपने सुना ही होगा अप्सरा यू के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्या ये एक क्लीनिनेस ओरिएंटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ये हमारा प्रोग्राम है वुमेन्स जो है हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की उनको सिंगल प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ये एक टाइप ऑफ रिसर्च रिएक्टर है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ये एक एक्सो प्लैनेट है जो कि हमारा इसरो ने जिसको एक्सप्लोर किया है। तो ये आपको बताना है, वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। ये अप्सरा यू काफ़ी न्यूज़ में था हमारा अभी रिसेंटली, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा और आपका सही होगा। तो जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल ये एक टाइप ऑफ रिसर्च रिएक्टर है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये हमारा अप्सरा यू न्यूज़ में क्यों था, देखिए इसको ना डेवलप किया था हमारा भाभा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर ने
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया था फ्रीडम के बाद। ये हमारा इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट रिसर्च रिएक्टर है, ठीक है। तो ये जब जिसको ऑपरेशन में लाया गया था ना फ्रीडम के बाद, उसके बाद से ना इसको मतलब यूज़ नहीं कर रहे थे इसका। अब दोबारा से इसको यूज़ करने की बात चल रही है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये एक रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है इस पर, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत से बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने डाले थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।